जो अपने भवन में संचालित हो रहे हैं, और एक जो बचा हुआ है बहुत शीघ्र वो भी अपने भवन में संचालित होना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे कहाँ जॉब कर रहे हैं और उनको कितने पैकेज पे उनको पेमेंट की मिल रहा है, ये सब उपलब्धियां हम लोग के विभाग की तरफ से। उसके अलावा आज जो हमारा तारामंडल है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे उत्कृष्ट तारामंडल उसको कह सकते हैं। आईटीआई में जो अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, जो मेरिटोरियस छात्र होते हैं, उनको पॉलिटेक्निक में लैटरल एंट्री होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। करूंगा कि राज्य में जो 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, इसमें से कि 45 पॉलिटेक्निक कॉलेज जो अपने भवन में संचालित हो रहे हैं, और एक जो बचा हुआ है बहुत शीघ्र वो भी अपने भवन में संचालित होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में लगातार पाठ्यक्रम के कारण शुरू हो गए हैं, और जितने भी भवन हैं, वो जितने भी कॉलेज हैं, वो सभी अपने भवन में संचालित हो रहे हैं। 2020-21 तक में तकरीबन 16 कॉलेज अपने भवन में संचालित हो रहे थे, और आज के दिन में सभी अपने भवन में संचालित हो रहे हैं, और अच्छे पाठ्यक्रम के साथ सभी में पढ़ाई पठन पाठन की व्यवस्था की गई है, फैकल्टीज की व्यवस्था की गई है, जो बच्चे हम लोग के यहाँ हैं उनके खेल कूद की व्यवस्था की गई है, और उनके लैब से लेकर सारे जो टेक्निकल चीज होते हैं उसकी व्यवस्था की गई है, और पठन पाठन के बाद उनकी जो उनके जॉब प्लेसमेंट की व्यवस्था वो भी हम लोग के विभाग के द्वारा लगातार की जा रही है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं अच्छे अच्छे जगह पे, और उन बच्चों के अगर आप चाहें तो उनकी सूची भी उपलब्ध करा दी जा सकती है कि जो बच्चे कहाँ जॉब कर रहे हैं और उनको कितने पैकेज पे उनको पेमेंट की मिल रहा है, ये सब उपलब्धियां हम लोग के विभाग की तरफ से। उसके अलावा आज जो हमारा तारामंडल है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे उत्कृष्ट तारामंडल उसको कह सकते हैं। उस तारामंडल में आप चले जाए, आज स्थिति ये है वहाँ पे सीटें खाली नहीं मिल रही है, इतनी अच्छी वहाँ की व्यवस्था हो गई है। और उसके अलावा जो हमारा साइंस सिटी है वो भी लगभग 80% के आसपास में कंप्लीटेशन उसका हो चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत शीघ्र उसका भी कार्य हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे। यही सब हमारा शेष है, यही हम लोग के विभाग की उपलब्धियां है, और अगर कुछ आप जानना चाहें तो लिटरल एंट्री जो हुई है उसमें आरक्षण का पालन किया गया था क्या है सर? मतलब बिल्कुल पालन किया गया है, लिटरल एंट्री में आरक्षण का पालन किया गया है। क्या सर वो मतलब जितने भी नामांकन हमारे यहाँ होते हैं वो सभी में आरक्षण के नियम का पालन किया जाता है, चाहे वो लैटरल एंट्री हो या रेगुलर एंट्री। मैं ये जानना चाहूँगा कि वो लेटर है क्या, मतलब सर हम बता देते हैं सर, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जहाँ बीटेक की पढ़ाई होती है उसमें जो कर्णांकित छात्र की संख्या होती है उसका 10% रिजर्वेशन होता है फॉर लैटरल एंट्री फ्रॉम पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। एंड जो डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है उसमें 10% लैटरल एंट्री होता है आईटीआई के बच्चों की। तो दोनों में इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक वालों के लिए 10% लैटरल एंट्री होता है, और पॉलिटेक्निक में आईटीआई के छात्रों के लिए लैटरल एंट्री होता है, इसमें भी रिजर्वेशन का पालन किया जाता है। मतलब जो बच्चे आईआईटी छोड़कर के आना चाहते होंगे आईटीआई में जो अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, जो मेरिटोरियस छात्र होते हैं उनको पॉलिटेक्निक में लैटरल एंट्री होता है, और पॉलिटेक्निक के छात्र 3 इयर्स के कोर्स के बाद मेरिट के बेसिस पे उनको बीटेक में लैटरल एंट्री होता है, माननीय मंत्री महोदय ने जो बताया है हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ इश्यूज है जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। बेसिकली आप जानते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, एक तो हमारा टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना, और दूसरे हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनमें एक साइंटिफिक टेंपर डेवलप करना या विज्ञान के प्रति उनमें अभिरुचि पैदा करना, ये बेसिकली हमारे विभाग के 2 उद्देश्य हैं। और 7 निश्चय के तहत 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 दोनों में विभाग में कार्य किया गया है। 7 निश्चय 1 में जैसे सर ने बताया 38 हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है हर जिला में, सभी का अपना बिल्डिंग बन चुका है और अपने बिल्डिंग में ये कार्यरत भी है, और हमारे 46 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, 45 अपने बिल्डिंग में चल रहे हैं, और जो एक बचा हुआ है वो भी बहुत जल्द अपने बिल्डिंग से काम करना शुरू कर देगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने ध्यान दिया है, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का ये निर्देश था कि ये पूरी तरह से आवासीय रहे। हम लोगों ने वहां फैकल्टी के लिए भी हम लोगों ने रेजिडेंसेस डेवलप करना प्रारंभ कर दिया है। जहां पे रेजिडेंसेस अब कम पड़ रहे हैं वहां पे अतिरिक्त रेजिडेंसेस के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए अच्छे क्वालिटी का लेबोरेटरी सेटअप किया है, कंप्यूटर साइंस लैब्स सेटअप हुए हैं, लाइब्रेरीज है, वर्कशॉप्स है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हर कॉलेज में, वो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, वहां पे उपलब्ध करा दिए गए हैं। हर कॉलेज में वाईफाई की कनेक्टिविटी है, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेस ऑनलाइन करने पड़ते हैं, बहुत सारा ऑनलाइन एक्टिविटीज करना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए हाई एंडेड वाईफाई कनेक्टिविटी हमने हर कॉलेजेस में उपलब्ध कराया है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि निर्बाध बिजली का व्यवस्था रहे, इसके लिए हम लोगों ने हरेक कॉलेज में डेडिकेटेड फीडर की सुविधा उपलब्ध कराई है। बहुत जल्द सब जगह पे लगभग काम कंप्लीट है, कुछ जगहों पे काम अभी प्रारंभ किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को किस तरह से बढ़ावा देना है उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। आप में से कोई पूछ रहे थे टीचर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में। लास्ट टू ईयर्स में हम लोगों ने 1,458 टीचर्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट किया है और 727 टीचर्स का अपॉइंटमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में हुआ है, और जो शेष रिक्ति है उन सबका हम लोगों ने आयोग को अपना रिक्वेजिशन भेज दिया है। बहुत जल्द इसमें अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं। इसमें ज्यादातर गेस्ट टीचर जो टीचर होगा, जैसे हमारा मुख्य तारामंडल 200 सीट का है, ये 25 सीट का वर्चुअल रियलिटी का थिएटर होगा, जो कि जिसमें हम लोग वीआर समझते हैं, जो रियलिटी हम लोग चश्मा लगा करके वीआर में देखते हैं, वर्चुअल रियलिटी में वो इस थिएटर के माध्यम से हम लोग देख पाएंगे। मैम कई सारे कंपनी भविष्य में हम लोग इस तरह की संभावनाओं को देख रहे हैं, अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग इस पे भी विचार करेंगे। मुख्यमंत्री जी एक सवाल है, साइंस सेंटर के बारे में बताया थे कि मैडम बोले बहुत जल्द हो जाएगा, लगता है कि 24-25 के चुनाव के पहले हम लोग बिल्कुल 80% कार्य उसका पूर्ण हो चुका है और हम लोग प्रयासरत हैं कि बहुत शीघ्र उसको 3-4-5 महीने में उसको करने की तैयारी में हम लोग हैं, लगे हुए हम लोग उसको पूर्ण कर लें। और हमारा प्रयास रहेगा कि मतलब अगला जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें जून तक में हम लोग इसको कम्प्लीट करें। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मतलब माना जाए, क्या कुछ होगा अलग जो आप जगह पर नहीं हो इसमें? बिल्कुल, ये शोध करने की एक खास जगह होगा, जहाँ पे कि जो भी वैज्ञानिक या जो भी रिसर्चर जिनके लिए कोई जगह नहीं हो पाता, वो एक जगह बनाया गया जहाँ पे कि आप अपना कुछ शोध किए हो या कुछ रिसर्च किए हो उस तरह का, जिसको आप वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं या वहाँ पे जाके और कुछ आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। मंत्री जी, आईटी पॉलिसी का अब तक आउटकम क्या आया है? ये आईटी डिपार्टमेंट से इसकी जानकारी आपको मिल पाएगी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। वो विषय हम लोगों के अंदर बात कर रही है। एग्जाम वगैरह हो गया क्या मैम? जो कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या कर रहे हैं आपकी, इसकी वजह क्या है? मतलब बस एक मतलब नहीं होता कि चलो फ्री नहीं है तो 5 रुपए रख लेते हैं टोकन मनी के रूप में। ये फीस एक ऐसे रखा गया, ये हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये फैसला था, उन्होंने ये किया कि मुफ्त शिक्षा, तो मुफ्त शिक्षा का मतलब यही है कि 5 रुपए 10 रुपए एक ऐसे ही रख दिया गया सिंबॉलिक, लेकिन इस पैसे का कोई मान नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि 5 रुपए 10 रुपए में आज के दिन में क्या होता है, लेकिन एक सिंबॉलिक उसको ये रखा गया कि 5 रुपए में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होगी और 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, इसलिए ये इधर रखा गया है। इससे यहाँ के बच्चों को काफी सहूलियत मिलती है। ये सारा मंडल में वर्चुअल रियलिटी और 3D थिएटर, मैडम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए क्या? आप लोगों ने अभी जो हम लोग का तारा मंडल देखा है उसमें ग्राउंड फ्लोर पर जो एम्प्टी स्पेस है उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D थिएटर लगाया जा रहा है, कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति भी हो चुकी है, और जैसा मैम ने बताया है कि जनवरी फरवरी 2025 तक ये प्लेसमेंट के लिए हम लोग 3 तरह से गतिविधियां करते हैं। एक तो हर कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल बना हुआ है जो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज से कॉन्टेक्ट करके अपने अपने कॉलेजेस में प्लेसमेंट का एक्टिविटी ये लोग ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद डिपार्टमेंट लेवल पर भी पूरे स्टेट के लिए प्लेसमेंट का ड्राइव चलाया जाता है, और उसके बाद कंपनीज में सीधे भी बच्चे जाके अपना प्लेसमेंट का इंटरव्यूज अटेंड करते हैं।
प्लेसमेंट सेल काफी अच्छे से काम कर रहा है और अब आईआईटी पटना के कोलैबोरेशन में, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब स्थापित हो गए हैं, हम लोगों ने प्लेसमेंट पर भी आईआईटी पटना का मदद लिया है एंड इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं। कुछ बड़े कंपनीज हैं जहां पे हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं, लाइक बजाज ऑटो, हिटाची, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एक्सेंचर, इसमें हमारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। 2023-24 में हमने डेटा प्रेस नोट में भी दिया हुआ है, 2023-24 में लगभग 8,200 बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है। एक नया इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने वर्कआउट किया है कि लोकल जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप है उसमें भी हमारे बच्चों को कैसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। उसके बाद गया एंड भागलपुर में जो टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं वहां पे हम लोगों के पॉलिटेक्निक के बच्चों को किस तरह से प्लेसमेंट हो सकता है उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से भी इसमें इनपुट मिला हुआ है कि ये एरिया वहां के लिए यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा भी स्टार्टअप्स को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, हमारे 35 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टार्टअप सेल गठित हो गया है और 34 स्टार्टअप ऐसे हैं जहां पे इंडस्ट्री विभाग द्वारा इनको सीड मनी 10 लाख रुपए इंडस्ट्री विभाग द्वारा दिया जाता है, ये सीड मनी 34 स्टार्टअप को मिला हुआ है एंड ये स्टार्टअप हमारे जो है 8-10 स्टार्टअप ऐसे हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उसमें से 2-4 लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इसके अलावा हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का या साइंस में जिज्ञासा डेवलप करने के उद्देश्य से जो सर ने बताया तारामंडल के बारे में, इसमें 2 चीज और नया कर रहे हैं हम लोग, एक वर्चुअल रियलिटी और एक 3D थिएटर डेवलप हो रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा एंड ये फरवरी 2025 तक ये कंप्लीट होने की संभावना है। और इसी तरह से पटना के सैदपुर में हमारा साइंस सिटी डेवलप होने वाला है जिसका सिविल कंस्ट्रक्शन काम लगभग पूर्ण हो चुका है और उसमें एग्जिबिट का काम लगाने का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, बहुत जल्द ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई है, अच्छे से इसमें काम चल रहा है और हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का जो रेगुलेशन होता है वो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा किया जाता है एंड मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगी कि 3 स्ट्रीम्स में अभी हमारा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है पटना का, जो प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पे उपस्थित है, 3 स्ट्रीम्स में इनको नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से एक्रेडिटेशन इनको मिला हुआ है एंड इट इज वेरी गुड थिंग बिकॉज बच्चों के प्लेसमेंट्स में भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट से ये लोग जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना टेक्निकल एजुकेशन का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वैकेंसीज कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज कुछ फैकल्टी ऐसे हैं जहां हमें टीचर्स नहीं मिले हैं, वहां गेस्ट फैकल्टी है लेकिन जब रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो गेस्ट फैकल्टीज हट जाएंगे। हम नामांकन का आपको फिगर्स बताएंगे, वो भी है हमारे पास। नामांकन में इस साल 2024-25 के 2024-25 के सत्र के लिए बीटेक के लिए यानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे 84.87 यानी 85% का अभी भी नामांकन हो चुका है। अभी इसमें सेकेंड राउंड ऑफ नामांकन अभी चल रहा है तो इसमें और सीटें भरने की उम्मीद है। इसी तरह से हमारा पॉलिटेक्निक में 81.57% का नामांकन हो चुका है और अभी मॉकअप राउंड 5 अक्टूबर तक चलेगा तो इसमें भी सीट्स भरने की उम्मीद है। और दूसरा, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस का डेटा देखेंगे 2022 में 82% था, 2023 में ये 72% था और इस साल अभी फर्स्ट राउंड में ही ये ऑलरेडी 85% हो चुका है एंड सेकेंड राउंड अभी इसका शेष है। प्लेसमेंट का क्या व्यवस्था हुआ मैडम? हमारे प्लेसमेंट पे भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम लोगों ने फोकस किया है अपना कैपेसिटी बिल्डिंग पे बिकॉज कैपेसिटी बिल्डिंग दो तरीके से हम लोग काम करते हैं। हमारे टीचर्स का भी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की आवश्यकता है क्योंकि टीचर्स को पढ़ाना है हमारे बच्चों को, तो टीचर्स के लिए भी हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम किया है। आईआईटी रुड़की और आईआईटी पटना के साथ हमारा टाई अप है जहां पे हमें टेक्निकल कैपेसिटी एनहांसिंग प्रोग्राम्स हम लोग चला रहे हैं।
और भोपाल में जो टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे भी हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है और पिपाड़ में भी हम लोगों के टीचर्स का ट्रेनिंग होता है। उसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे नए स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस किया है। आप जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स होते हैं मैकेनिकल, सिविल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, उसके अलावा हम लोगों ने नए स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस किया है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मशीन लर्निंग। इस तरह का स्ट्रीम्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है बिकॉज प्लेसमेंट पे ऐसे स्ट्रीम्स की काफी महत्व होती है। आईआईटी पटना के कोलैबोरेशन में हम लोगों ने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किया है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस में हाई एंडेड लेबोरेटरी सेटअप किए जाते हैं जहां पे बच्चों को उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका एग्जाम्स लिए जाते हैं एंड जब ये एग्जाम्स पास करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट्स मिलता है जो इनकी प्लेसमेंट में काफी मदद करता है। एंड ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस हर पॉलिटेक्निक में स्थापित की गई है और आईआईटी पटना द्वारा इसको चलाया जाता है। आईआईटी मुंबई और आईआईटी रूरकी से भी बच्चों के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाए जाते हैं जो इनके प्लेसमेंट में काफी मदद करते हैं। एनआईटी पटना में हम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है 47.76 करोड़ का और ये स्टार्टअप एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने में बच्चों का मदद करता है। बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों ने ध्यान दिया है उनके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर, तो हर दिन हमारे कॉलेजेस में योगा का सत्र चलाया जाता है। फिर उनके लिए प्लेग्राउंड्स की व्यवस्था की गई है। एनुअल बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट लेवल पर खेलकूद कार्यक्रम उमंग का आयोजन हम लोग कर रहे हैं हर साल और अपने अपने कॉलेजेस में भी खेलकूद का कार्यक्रम नियमित रूप से ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एम्फोसिस दिया है उनके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में और उनके लैंग्वेजेस पे हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है। उसके लिए हम लोगों ने लैंग्वेज लैब अलग सा सेटअप किया हुआ है हर कॉलेज में जहां पे बच्चों को इंटरव्यूज में कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे लैंग्वेज स्किल्स एक्वायर किया जाए, ये सब पढ़ाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है हम लोगों का इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है और हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, कॉर्पोरेशंस है स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें उन लोगों को इंटर्नशिप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके लिए 10,000 रुपए प्रति स्टूडेंट वो कंसर्न संस्था को भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं क्योंकि इंटर्नशिप प्रोग्राम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के करिकुलम का एक हिस्सा रहता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।